शुभम और अभिषेक के साथ बातें कर रहे हैं यहाँ पर। शुभम का ऑल इंडिया रैंक 59 आया था इन गेट 2015 एंड ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 83 इन गेट 2013। ही पास आउट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड करंटली वर्किंग इन आईओसी। अभिषेक गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 112 इन 2015 फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड ही इज आल्सो करंटली वर्किंग इन आईओसी। सो हम स्टार्ट करेंगे शुभम सर से। शुभम, जब आपका गेट का रिजल्ट आया, गेट का एग्जाम हुआ, तो आपको कैसा फील हुआ उसके बाद? 2013 में पेपर बहुत ज्यादा टफ था, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा इतना अच्छा रैंक आएगा बिकॉज एग्जाम वॉज वेरी टफ। और पिछले अगर मेरे मार्क्स 55 या 56 में एक्सपेक्ट कर रहा था रिजल्ट से, और अगर पिछले पेपर देखे 2012 तक तो हार्डली किसी को आईआईटी मिला होगा उन मार्क्स से, 56 या 55 मार्क्स से सबको एनआईटी वगैरह मिलता था। 65 अगर आप स्कोर नहीं करते तो आईआईटी मिलना थोड़ा मुश्किल था। तो मुझे लग रहा था ओके, मुझे आईआईटी तो नहीं मिलेगा बट आई विल गेट सम एनआईटी, सम गुड एनआईटी में भी, तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा तो हाँ, मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो पेपर बहुत टफ था। अगर वो मेरे लिए पेपर टफ है तो वो सभी के लिए पेपर टफ होगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि रैंक जो है वो कम मार्क्स पे अच्छी रैंक बन सकती थी आपकी, तो वही मेरे साथ हुआ। मेरी 83 रैंक आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बिलीव नहीं हुआ पहले, तो मैंने 2-3 बार रिजल्ट लॉग आउट करके लॉग इन करके देखा तो अच्छा लगा मुझे काफी। So I still remember the gate results for 2015. Exam came a few nights before the scheduled date. So I didn't come to know that the results are announced until my friends came to my door and knocked and said, "Hey, results are out." So then I checked it out and I got 112 rank, which was also later on I came to know that that was the highest rank in computer science branch from my college. So I felt quite good about it. I felt proud. I called up my parents, I called up my friends, and I told them all. So yeah, it was a great feeling. I felt ecstatic. So see, most of the students generally they have different choices after getting their GATE rank. So either they can go for higher studies, for example, they can do MTech or MS, or they can go for PSUs. Nowadays, a lot of PSUs are recruiting through GATE examination. ONGC, IOCL, some of the top PSUs which are recruiting from GATE examination. So, what was your career choice? आपने क्या सोचा था? आपने क्या करने की सोची after getting your GATE rank? या फिर आपने पहले से ही इन सब चीजों का plan किया हुआ? पहले से तो plan नहीं कर सकते कुछ भी। अगर if you are if you don't know which rank you will get, PSUs में जाने के लिए आपको top 100 में तो होना ही पड़ता है। अभी का नहीं, पहले उस टाइम तक तो था ऐसा क्या, अगर if you are not in top 100 then you will not be getting any PSU. तो आपको टॉप 100 में तो आना ही रहता था। तो आपको नहीं पता आप टॉप 100 में आओगे या नहीं आओगे, आपको नहीं पता आप टॉप 500 में आओगे जिससे कि आपको आईआईटी मिले, आपको नहीं पता आप टॉप 2000 में भी आप आओगे या नहीं जिससे कि आपको एनआईटी मिले। तो पहले से हम प्लान नहीं कर सकते, बट हाँ ये कर सकते हैं कि आप अपने आपकी रैंक आइए, फिर उसके बाद आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके साथ जो भी आपका क्राइटेरिया, आप अगर आईआईटी जाना है आईआईटी जाना है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आप पीएसयू ज्वाइन कर लो, या फिर आप अदर एनआईटी अगर मिला तो एनआईटी चले जाओ। तो वो सब तो मेरा जो प्लान था वो हाँ यही था कि मेरे को अगर पीएससी मिलता है तो मैं पीएससी में जाऊंगा, अगर फिर अगर पीएससी नहीं मिलता है तो मैं किसी ना किसी आईआईटी में जाऊंगा या एनआईटी में जाऊंगा। तो यही मेरा, लेकिन काफी जो पीएससीयूज के फॉर्म है वो तो गेट के एग्जाम से पहले ही निकल जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए आपको प्रिपेयर करने के साथ साथ जब पीएससी के फॉर्म आते हैं वो भरना रहता है, और पीएससी के फॉर्म फ्री होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है भरने में, ऐसा कोई फाइनेंशियल हेडेक भी नहीं है उसके लिए। देखो शुभम, आपने जो अपना गेट किया था 2013, यू गॉट अ ऑनली रैंक ऑफ 83 एंड यू स्टार्टेड योर एंट्री फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, देन अगेन यू गेट एग्जामिनेशन 2015 फॉर आईओसीएल, राइट? यस। सो व्हाई यू डिडंट जॉइन आईओसीएल 2013 से? तो 2013 में क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो इंटरव्यूज के लिए कॉल किया गया था टॉप 100 केवल लोगों को कॉल किया गया था। सो व्हाट हैपेंस व्हेन they will take interview and seats केवल hardly 20 या 25 होती है, और मेरी रैंक थी 83, तो पहले से ही 82 लोग आ गए हैं जिनमें से एटलीस्ट 50 लोगों ने तो भरा ही होता है फॉर्म IOCL के लिए। तो और उस ईयर उन्होंने सारी टॉप 35 रैंकर्स को लिया था और केवल 20 या 30 लोगों को, 20 भी नहीं आई थिंक 15 या 16 लोगों को केवल लिया था, तो इसलिए मेरा उसमें सिलेक्शन ही नहीं हुआ था IOCL में, अदरवाइज आई कुड हैव जॉइन। And Abhishek, what was your career choice after you got your GATE rank? See, during my GATE preparation, I
knew that there would be many PSUs which recruit people using the GATE score. So as a plan B, I filled out those forms for all those PSUs, and the plan A was still to get into an IIT. But the GATE results came out and I got a very good rank. So I applied in various IITs, out of which I got direct admission into IIT Kharagpur and IIT Madras. So मैंने IIT Madras में fees fill कर दी और plan तब भी यही था कि IIT join करना है, क्यों फिर वहाँ से अच्छी MNC में job करके अच्छा package लेना है। फिर IIT Madras जाने से एक week पहले ही BRC के results भी out हुए, जिसमें से computer science branch में मेरा भी selection हो गया for the post of scientific officer. So then as a turn of events, मेरा मन बन गया बाहर जाने का, एंड देन मैं फिर बाग में चला गया मुंबई. फिर वहाँ देयर आई स्टेड फॉर अबाउट 2 months, एंड आफ्टर दैट IOCL's रिजल्ट्स आल्सो केम आउट, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड इन IOCL आल्सो. देन आई वाज इन क्वाइट अ डिलेमा दैट BRC बीइंग सच अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, शुड आई स्टे इन इट और शुड आई स्विच टू IOCL. बट IOCL वाज इन IOCL आई हैड बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉइनिंग लोकेशन नियर माई होम टाउन. So later on I then switched to IOCL, and so here I am currently working in IOCL. See, Abhishek, you worked with both Bark and IOCL. So in Bark your role was for scientific officer, in yes. IOCL you are working as a programmer, right? Yes. So what was basically your responsibilities when you are working in Bark? Okay, so in Bark when you join, there is a training period for 1 year during which various employees come and they teach you about nuclear physics, nuclear reactors, about the about how they produce energy. They take you on tours of the campus and they teach you all the stuff about that nuclear things. So I was going through that training period. I didn't get to work upon these technologies, but I had an interaction with the seniors who worked there. So they told me that there they get to work on all the cutting edge technologies like cloud, computer networks, etc., etc. So definitely the work is of top class there. And in IOCL currently I am working as a programmer. My designation is information systems officer, and I do ABAP programming on SAP platform. And Shubham, after getting your GATE rank, you got offers from many IITs, I'm sure. So my question is, what was the selection procedure for these IITs, and what is the cutoff marks which is cutoff rank where you can easily say that you are in a safe side to get admitted to one of the IITs? So agar IIT chahiye, then sabhi ka yehi hai ki top 100 is up to score. Top 100 hai, so you can be sure and certain that you will get into some IIT, because IIT Bombay में ही 90 seats हैं, अदर 10 seats you can easily you can get in any IIT, IIT Delhi, IIT Kanpur, other. So selection procedure was, so I you don't know in the starting you will in which IIT you will get admission, because your rank, suppose my rank was not in top 50 earlier, so मेरा 83 rank था. I didn't know कि हाँ मेरे को IIT Bombay मिलेगा या नहीं मिलेगा, Delhi मिलेगा या नहीं मिलेगा, Kanpur मिलेगा, मुझे नहीं पता था. ऐसी रैंक पे आपको क्या लगता है कि सभी पे सारे IITs क्या फॉर्म भरते हो, मतलब जो टॉप IITs हैं, और आपको लगता है कि हाँ टॉप 100 में जितने IITs ले सकते हैं उतने आप उन सबका फॉर्म भरते हो. तो मेरा खड़गपुर से आ गया था कॉल, एंड देन मद्रास से भी आ गया था. दे शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रैंक ओनली, टॉप रैंकर्स दे कॉल. एंड IIT दिल्ली में भी मेरा आ गया था, और तो मैंने IIT दिल्ली ज्वाइन भी कर लिया था, मैंने फीस भी सबमिट कर दी थी. तो IIT दिल्ली में प्रोसीजर क्या है कि इफ योर बीटेक मार्क्स आर मोर देन 75% एंड योर रैंक इज गुड इन टॉप 100, देन दे वॉन्ट कॉल यू फॉर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट, दे विल टेक डायरेक्ट एडमिशन. अदरवाइज यू हैव टू गिव सम इंटरव्यूज इन कानपुर. इफ यू आर इन टॉप 50 रैंक्स देन यू विल गेट डायरेक्ट एडमिशन, अदरवाइज दे विल कंडक्ट वन इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट ऑल्सो. सो ये प्रोसीजर था. IIT कानपुर में मेरा नहीं आया था. आई वॉज कॉल्ड फॉर रिटर्न एंड इंटरव्यू, बट उससे पहले मेरा IIT दिल्ली में हो गया था. आई चोज IIT दिल्ली ओवर IIT कानपुर. तो मैंने IIT दिल्ली में एडमिशन ले लिया था. फिर उसके कुछ टाइम के बाद IIT बॉम्बे से भी लिस्ट आ गया था. सो IIT बॉम्बे में क्या होता है कि 40 रैंक तक के बुलाएंगे, फिर 60, फिर 80. तो अल्टीमेटली इफ यू आर इन टॉप 100 यू कैन टॉप 80 एंड यू कैन बी श्योर दैट ओके यू विल बी कॉल्ड इन द फोर्थ लिस्ट ऑफ IIT बॉम्बे, बट यू विल बी कॉल्ड. सो
टॉप 80 जरूरी है इफ यू वांट टू गो गेट इनटू सम गुड आईआईटी। एंड अभिषेक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज़ काफी जो स्टूडेंट्स है काफी डायलेमा में रहते हैं, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर एक्चुअली, बिकॉज़ इन आफ्टर बीटेक आई हैव सीन स्टूडेंट्स हू पास आउट फ्रॉम लोकल कॉलेजेस, देयर टेक्निकल बैकग्राउंड इज नॉट स्ट्रांग, they are generally lacking in their technical background, they are generally not having very good confidence, because most of the students are preparing for GATE examination, either they are coming because they are not getting very good jobs, they lack some technical skills, or they want to prepare for higher studies, obviously, generally speaking. Now, for those students, it is very important to know that how should they start preparing, or what should the prepare methodology, or what should the strategy for preparing. So when you started your preparation at that time, so what was your strategy and how did you prepare for actually for this examination? Okay, so you said it correctly that most of the people who opt for GATE preparations, they do it because they are not getting any good placements, and same was the case with me, frankly speaking, because not many good companies visit during our college campus placements. So in second year itself, I made up my mind that I'll have to prepare for GATE and then I'll go to some IIT and get a good job from there. So in third year, a coaching batch was starting in a nearby coaching institute. The coaching was run by Professor Dr. Ankush Mittal. So I joined that coaching and he taught us all the subjects with clear concepts and with full clarity. He gave me knowledge about all the subjects and the intricacies of each subject. Then there were various so there was like regular coaching pattern. He taught us the subjects, then there were regular tests, then at the end of the training program there was a series of practice test papers. So he kept us motivated throughout the year, and I put in my efforts with complete dedication, and I kept studying, I persevered, and I kept preparing for the GATE subjects all throughout the year with complete dedication and perseverance, and as it turned out, I got a good rank and now I have a good job. So Shubham, how actually did you prepare for GATE examination का third year में पता चला कि okay there is a chance you can get into some IIT or you can get some good job in PSUs, ठीक है, so from that year onwards I started preparing for GATE exam. तो उसके लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं की मैंने. What I did कि third year में कुछ ऐसे subjects होते हैं जो GATE में आने ही आने हैं, तो मैंने उन subjects का prepare करना शुरू कर दिया और उनको seriously लेना शुरू कर दिया. फिर third year, फिर fourth year में भी कुछ subjects थे ऐसे जो GATE में आते थे, उनको भी prepare करना शुरू किया. Then after fourth year when I gave the GATE exam, I scored around 42-43 marks. So 2 marks से मैं किसी एक किस कोई भी मुझे NIT नहीं मिला था. I filled the form of NIT but मुझे कोई NIT नहीं मिला. तो then I thought कि okay, एक दो नंबर से अगर NIT रह गया, अगली बार अगर कोचिंग करके करूँगा then I can score some good marks. तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन किया. अभी कोचिंग में क्या होता है कि they give you some material, good material, they teach you, they guide you, and they also give take the test and practice series is also there. तो उससे क्या होता है, आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि ओके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने हैं और ऐसे ऐसे आंसर देना है, कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करना है, कैसे क्या आंसर करना है, ये आपको पता चल जाता है. तो आप इजीली और उससे फिर हमें ट्रिक्स खुद बनती हैं धीरे धीरे कि हाँ ठीक है ये अप्रोच रहेगा, ये ट्रिक वाला, ये फॉर्मूला कोचिंग्स में ऐसा बताते हैं. तो हम लोग अगर कोचिंग करते हैं, कोचिंग नहीं करेंगे तो भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग करने से थोड़ा एडवांटेज हो जाता है. तो ऐसे मैंने कोचिंग किया और फिर ऑब्वियसली एडवांटेज था कि हाँ आई स्कोर सम गुड रैंक. हाँ, सो आई टेल यू व्हाट इज दिस काइंड. सो कोचिंग से, सो आई टोल्ड यू लाइक कोचिंग से क्या होता है, हमारा माइंड उस तरह से सोचने लगता है जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और उस वे में सोचने लगता है कैसे हमें. सो इन सम स्टेट यूनिवर्सिटी और सम यूनिवर्सिटी व्हाट हैपेंस इज कि दे विल गिव यू सम क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द आंसर. ठीक है, जो आंसर आप राइट कर रहे हो वो आपने रटा हो सकता है, आपको बस राइट करना है, आपको नॉलेज कॉन्सेप्ट पता हो या नहीं पता हो आपको मतलब नहीं है, आपको बस लिखना है वहां पे आंसर. ठीक है, और वो आंसर जो है अगर थोड़ा भी मिलता जुलता होता है तो वो पास हो जाते हैं आप. ठीक है, तो आपको और नहीं है, गेट में क्या होता है कि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए तभी आप अप्रोच कर सकते हो. तो वो अप्रोच कब बनती है आपकी, आप अगर कॉलेज से ही पढ़ रहे हो उस हिसाब से कि हाँ आपको ऐसे पता है कि वो कॉन्सेप्ट आपको कॉलेज टाइम से ही आते हैं,
वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आपको कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोचिंग की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं थे क्लियर, मुझे पढ़ना पड़ता, मुझे कहीं और से पढ़ना पड़ता। कोचिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड एंड फास्ट मेथड, 6 महीने में आप वो सब कवर कर सकते हो जो 4 साल में हुआ है। Exactly. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि कोचिंग में जब आप जा रहे हो तो वहां पे मोटिवेशन मिलता है आपको। अगर आप खुद से अकेले से प्रिपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं टाइम पे अपने कभी ना कभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी कम हो जाता है, या हमें लगता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। कोचिंग में आप मोटिवेटेड रहते हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू आर आंसरेबल टू समवन, यू आर आंसरेबल टू योर टीचर। Like suppose a teacher taught you a lesson and then took a test on it and you didn't perform good in it. So you are answerable to the teacher that why you didn't perform well, and the teacher will guide you accordingly, like you are lacking in this subject and you should do more practice or solve more questions on this subject. So yeah, coaching helps a lot. See, I want to share my experience. I started preparing for GATE examination in 2011, so I took admission in a very reputed coaching institution. And in my class, approximately there were 350 to 400 students, right? So during that time, I kind of felt that this is the best decision of my life. This is my personal experience. I thought this is the best decision of my life because whatever I have done in my BTEC, I thought that that is equivalent to saying that I have done only BA, because I have yet passed my BTEC only just learning theory. जनरली लोकल कॉलेज ऐसा ही जनरली ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कोचिंग के बाद कि जो मैंने किया है दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई डन। बट द प्रॉब्लम इज आई व्हेन आई गिवन द गेट एग्जामिनेशन आई गॉट अ वेरी गुड रैंक, आई गॉट अ रैंक व्हिच इज एवरेज अबव एवरेज, आई क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। इट इज क्लियरिंग द एग्जामिनेशन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एनीवन कैन इजीली क्लियर द एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली द कट ऑफ मार्क्स इज सो लो, राइट? सो बट उसके बाद आई हैवंट गॉट अ गुड रैंक, सो आई थॉट ओके आई शुड प्रिपेयर अगेन। आई प्रिपेयर्ड फॉर गेट एग्जामिनेशन अगेन ऑन माय ओन, आई गॉट अ बेटर रैंक अगेन, आई प्रिपेयर्ड, आई गॉट अ बेटर रैंक। बट द प्रॉब्लम इज एवरी टाइम व्हेन आई प्रिपेयर्ड आई थॉट कि जो मैंने इस समय कोचिंग में किया था दैट वॉज नॉट अप टू द मार्क, वट एवर आई हैव डन दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली कोचिंग के अंदर मोर देन 350 स्टूडेंट्स इन सेम क्लास, एवरी वन इज डूइंग द सेम थिंग। एंड इवन इफ फॉर एग्जाम्पल इन ऑल ऑफ इंडिया सो मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग कोचिंग, the most of them are doing the same thing, kind of doing the same thing. So only with doing coaching you cannot do anything. Plus coaching ke andar it is not like ki aap wahan se sab kuch seekh rahe, uske alawa bhi aapko kuch extra effort putting karna padega. Agar aap apna extra effort put nahi karoge to that is not enough, I think. That is my personal opinion, right? So you have to create a line, you have to create a difference, that there's a difference between you and the other students, and for that you have to do some extra effort. Only coaching institution cannot teach you each and everything, right? Yeah, exactly. So what happens, like extra effort you are talking about? Coaching से तो हमने we will get material and we will get some test series only. You got a structured way. हाँ, structured way, ठीक है, अभी वो मिल गया, उसके बाद you have to prepare by yourself, you have to make your own concepts, कि हाँ वो concept theoretical ऐसा है, how you think that concept is working, how you think that matters, कैसे work कर रहा है systems में, that is another thing, how you think है. So GATE is all about graduate aptitude test. So aptitude is how you take it, how you take that notes, that is very important. So coaching करना ठीक है, लेकिन left to at the end तुम्हें खुद से कैसे कर सकते हो उस question को solve, वो जरूरी है। See, I also have a coaching institution, but the thing is, but I teach to students that it is not necessary or it is not important for you to take coaching. Without coaching also you can take a good rank. Yeah. But the problem is you have to maintain consistency. Yes. You have to maintain a level of hard work. For example, if a teacher is teaching you somewhere in one hour, you can do the same thing by yourself, but it will take you approximately 4 hours. Yes. There's a ratio of 1:4, that if a teacher is teaching the complete grade coaching in 600 hours, then you can do the same thing, but it will take you somewhere around 2400 to 3000 hours to perform the same class. Yes, right? Absolutely. So coaching is kind of, it is just kind of giving a structured way of preparation. It will give you consistency, but you cannot solely depend on coaching, right? Yeah. Teacher आपको पढ़ा सकता है, लेकिन वो पूरी knowledge आपको syrup के form में ऐसे पिला तो नहीं सकता ना। Obviously. Okay. So second thing is, if for example you prepared twice or thrice for GATE examination, I think you have given GATE examination 2012, 2013, 2015 also. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14, 15. And every time you improve. In 2013 you got a rank of 83. Yes. In 2015 you got a rank of 59, right? And you also got your rank in the first term. Yeah, it's my first term. It was your first term.
But for the first time, for the student who is preparing again and again, so how much time actually you have dedicated? आपने कितना time spend किया था? कितने months की आपको preparation लगा? The same way आपने first time prepare किया, आपको कितने months का preparation लगा? कि इतना time spend करूँगा that I can get a good rank. और secondly, did you actually know कि मुझे इतना time spend करना है? Or you just studied without any plan like this? Or you had a plan? No, initially actually I was quite lazy to be honest. And दिन का एक घंटा दो घंटा या किसी दिन बनने किया तो वो भी नहीं पड़ा. फिर उसके बाद एक दो महीने बीते और मैं लैग करता गया. चीज़ें आगे बढ़ते जा रही हैं सेम पेज से लेकिन पिछला वाला पार्ट कवर नहीं हो रहा है. और प्लस फिर थोड़ी डांट भी पड़ी मेरे को अपने फ्रेंड्स से, कोचिंग मेट्स से, टीचर्स से. सो देन इट वॉज काइंड ऑफ एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी. एंड मैंने रेगुलरली अच्छे ज़्यादा आज प्रोटीन करने स्टार्ट किए. And around when there were 6 months left for the GATE examination, regularly I start giving a minimum of 4 hours daily. Like जिस दिन शीट्स वगैरह सॉल्व करनी है उस दिन ज़्यादा भी दे देते हैं, रात में जितना भी पड़ता है कभी, लेकिन मिनिमम इतना तो होना चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट अ गुड रैंक, इफ़ यू वॉन्ट अंडर 200, यू वॉन्ट टू गेट इन टू एन आई टी, देन दिस इज द मिनिमम एफर्ट यू हैव टू पुट इन. अच्छा, उसमें हमारे साथ क्या होता है ना कि सेकंड ईयर में मैं थर्ड ईयर में था जब मैंने गेट के लिए प्रिपेयर, गेट के बारे में पता चला था, तो मैंने इंडिविजुअली उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट तो डाला नहीं था स्पेसिफिकली कि गेट पढ़ना है, मैंने उसका ही सब्जेक्ट पे फोकस किया था. तो दो तीन सब्जेक्ट्स तो मेरे फोर्थ ईयर तक कवर हो गए थे. लेकिन गेट इज ऑल अबाउट नोइंग एवरीथिंग, समथिंग ऑफ एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग इन समथिंग. तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए मेरी रैंक अच्छी नहीं आती थी. तो कोचिंग से ये फायदा होता है कि चलो आपको सारे सब्जेक्ट एक बार में पढ़ा दिए जाते हैं. अभी कैसे प्रिपेयर करना है, फोर्थ ईयर तक तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, मैंने क्योंकि गैप लिया तो मेरे पास पूरा टाइम था, पूरा टाइम मैं गेट को ही दे सकता था. ऑल होल सिक्स मंथ होल डे 24 आवर्स आई कुड हैव गिवन टू गेट एग्जाम. तो स्टार्टिंग में तो सभी लोग ऐसे थोड़ा लेजीनेस आता है कि हाँ क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एफर्ट नहीं लग पाता है इतना ज़्यादा. तो स्टार्टिंग में आई कुडंट फोकस कम्प्लीटली फॉर गेट एग्जाम, तो स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाया इतना. देन जैसे अक्टूबर नवंबर में फिर थोड़ा प्रेशर बनता है कि ओके अब गेट एग्जाम पास आ रहा है, अभी पढ़ना है. देन वी स्टार्टेड स्टडिंग अराउंड 10 to 12 hours ओवरऑल विथ कोचिंग एंड विदाउट कोचिंग. सो लाइक 4 hours ऑफ कोचिंग, 8 hours ऑफ सेल्फ स्टडी. तो ऐसे जिस सुबह होती उठ के पढ़ना शुरू. और लकी उससे पहले क्या था, मेरे रूममेट्स जो थे जो कोचिंग में, तो वो लोग क्या करते थे कि तू सोता रहता है, तू क्या पढ़ेगा, तू क्या तेरा ऐसे निकलेगा गेट एग्जाम, ऐसे बोल बोल के ना मेरे अंदर धीरे धीरे वो आ गया कि यार अब तो निकालना ही पड़ेगा. ये लोग ऐसे बोलते हैं तो उनका बहुत ज्यादा हाथ था कि चलो ठीक है, मोटिवेट करते थे इनडायरेक्टली. वो कहते नहीं तेरा नहीं निकलेगा, तो अंदर से मेरे अंदर मोटिवेशन आता था. ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि तुम्हारा नहीं निकलेगा, तुम इस लाइक हो ही नहीं ऐसे ऐसे, बट यू हैव टू टेक इट एज पॉजिटिवली कि हाँ भाई ये बोल रहा है तो मैं करके दिखाऊंगा अभी. तो ऐसे किया मैंने और पूरा, क्योंकि 24 घंटे हैं उसमें से 8 घंटे सोना, 4 घंटे इधर उधर, वापस जो टाइम मेरा था वो मैंने प्रिपेयर ही किया, क्वेश्चन सॉल्व करता था मोस्टली, तो उसने हेल्प किया. तो ऐसे एक्चुअली यहाँ से ना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से आता है. काफ़ी स्टूडेंट्स से, जैसे मैंने भी काफ़ी दूसरे डिस्कशन किया है, तो ये चीज़ निकल के आती है स्टूडेंट्स के बीच में, ये माइथ बहुत ज़्यादा है कि टू स्कोर वेरी गुड रैंक you should have very good IQ. That means you should be naturally intelligent. क्या सिर्फ naturally intelligent होने से you can get a good rank? See, if I am naturally intelligent, then I want to study for 12 hours, obviously. मैं 12 घंटे पढ़ूंगा नहीं अगर मैं naturally intelligent हूँ. मुझे मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मैं intelligent नहीं हूँ, है ना? तो मेहनत करना, तो अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और तब तक मेहनत करना पड़ेगा जब तक आपको पैटर्न्स एनालाइज करना नहीं सीख जाते कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनका ये पैटर्न है, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एप्टीट्यूड से सॉल्व हो जाएगा. सिंपल एप्टीट्यूड आपको कंप्यूटर साइंस को या फिर जो भी ब्रांच है आपको उसको सीधे एप्टीट्यूड तक लेके आना, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लो कि वो सीधे एप्टीट्यूड पे आ जाए. तो वो जरूरी होता है. तो हार्डवर्क जरूरी नहीं है, यू जस्ट नीड कि हाँ थोड़ा सा हार्डवर्क चाहिए. आईक्यू जरूरी नहीं है, इतना आईक्यू हो कम से कम कि हाँ थोड़ा हार्डवर्क करके मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊँ. एक बार आप उस लेवल तक पहुंच गए तो आप सबके बराबर हो. बिल्कुल सही बोला शुभम ने, आईक्यू की जरूरत होती है आईटीजेई जैसे एग्जाम्स में, जिसमें क्वेश्चन से ज्यादा वो पजल्स आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको पजल सॉल्विंग टेक्निक्स आनी चाहिए, नए नए पजल्स आएंगे और उनको एट दैट मोमेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए. लेकिन गेट में इट्स मोर ऑफ अ पैटर्न कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चंस आए थे और उसी पे बेस्ड उसमें घुमा फिरा के और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं,
बस सेम सिमिलर पैटर्न सा रहता है। इसमें हाई आईक्यू की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती, बस मोटिवेशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क होना चाहिए आपका, और उसी के बेसिस पे आप एकदम आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे।